हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। अपडेट है आंसर की से रिलेटेड कि कब हमारे एग्जामिनेशन की आंसर की आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हो एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं और अब हमें इंतजार रहता है कि कब रिजल्ट आए, कब आंसर की आए, सो दैट हमें कुछ आइडिया मिल जाए कि कितना हमारा स्कोर रह रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम जून की तैयारी कर सके या अगर हमें आगे देखना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीएचडी के लिए उसकी हम तैयारी कर सके। तो आंसर की कब तक आएगी, क्या सिनेरियो रहता है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी क्योंकि जिन्होंने भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये एग्जामिनेशन दिया होगा उनके मन में ये सवाल आना बहुत ही लाजमी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा उनके मन में ये चीजें रहती है कि कब तक आंसर की आ जाती है, वो सारी चीजें उनको पता लग जाए। तो जरूर डिस्कस करेंगे इसी बारे में। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर वन एंड पेपर टू की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पे। जून 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो एंड देना चाहते हो जून 2024 का एग्जामिनेशन, तो आपके लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 18th ऑफ दिसंबर से आपकी क्लासेस हैं जो स्टार्ट हो जाएंगी एंड मैं आपको कॉमर्स टीच करने वाली हूँ एंड पेपर वन में मैथ्स एंड डीआई कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के थ्रू। आपको पेपर वन के साथ साथ ये सभी पेपर टू भी हैं जो मिल जाएंगे। तो अगर आपका पेपर टू इनमें से है तो पेपर वन के साथ आप पेपर टू भी ले सकते हैं। कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा और बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज आपको कवर करवाई जाएगी एंड अपडेटेड सिलेबस रहने वाला है। पेपर वन एंड पेपर टू का जो कंप्लीट बैच होता है उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपको क्लासेस मिलेंगी सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड, टेस्ट सीरीज मिलेगी पेपर वन एंड पेपर टू की, हैंडबुक भी मिलने वाली है पेपर वन एंड पेपर टू की। जैसा कि मेरा पेपर टू कॉमर्स है तो अगर आप कॉमर्स का बैच लोगे पेपर वन के साथ तो आपको दोनों ही हैंडबुक्स मिल जाएंगी। क्रैश कोर्स जो होगा वो भी आपको मिलेगा, रिवीजन कोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। केवल पेपर टू लेना चाहते हो तो केवल पेपर टू आप ले सकते हैं या सिर्फ पेपर वन लेना चाहते हो तो आप पेपर वन भी ले सकते हो। अभी फिलहाल 20% का डिस्काउंट है जो दिया जा रहा है। अगर आप जुड़ के पढ़ना चाहते हो हमारे साथ तो एटम कोड यूज करके आप 20% का डिस्काउंट ले सकते हो सभी के सभी ऑफरिंग्स पे। ये सारे बैचेज आपके लिए यहाँ पे स्टार्टेड हैं। और अगर आप सेट एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे हो तो सेट एग्जामिनेशंस के लिए भी आपके लिए टेस्ट सीरीज है। तो सेट एग्जाम बहुत सारे पाइपलाइन में है, तो अगर आप सेट एग्जाम देना चाहते हो तो पेपर वन की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। एंड ये जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन है जिस तरीके से आपका सेट एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। तो आपको यहाँ पे 10 टेस्ट मिल जाते हैं, तो आप ये टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड मेरी क्लासेस रेगुलरली चलती है सेट एग्जामिनेशन के लिए, 5 PM क्लासेस होती है, तो आप क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, यूट्यूब क्लासेस आपके लिए रहती है और कोर्सेज अगर आप बाय करना चाहते हो तो नेट कैटेगरी को चूज करके आप कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से सिनेरियो रहेगा, कब हमारी आंसर की आएगी। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आंसर की लगभग पेपर के 20 days तक हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो लगभग 20 दिन के अंदर अंदर ही आपकी, या 15 से 20 दिन का अगर मैं टाइम पीरियड बोलूं तो आपको आंसर की आपकी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सिनेरियो रहेगा कि आंसर की के बाद कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस को चैलेंज करना है तो वो टाइम पीरियड आपको दिया जाता है और कुछ क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं तो वो सभी के लिए डिलीट हो जाते हैं, वो सारी चीजें रहती है। चैलेंज का आपको 2 से 3 दिन का समय दिया जाता है सो दैट आपको अगर ये लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने सही किया है और वो सही है और आंसर की में वो गलत है तो आप उसको चेंज वगैरह करवा सकते हो। तो आंसर की कब तक आ सकती है, 14 तारीख तक तो हमारे पेपर ही चले 6 to 14 December, तो अब इसके लगभग 15 से 20 दिन का टाइम पीरियड आप लेके चलो तो ये मेरा मानना ये है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आप लेके चलो एंड क्रिसमस के बाद ही आपको आंसर की आपकी देखने को मिलेगी। एंड अगर आंसर की नहीं आती, जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, न्यू ईयर भी होता है, तो हद से हद आपकी न्यू ईयर के बाद जो है आंसर की आ सकती है। तो अभी तक आप कुछ भी यहाँ पे टेंशन ना लो कि कब आंसर की आएगी, कब आंसर की आएगी, यू हैव 15 to 20 days, उनका वेट करिए, ठीक है, और उसके बाद ही आपको आपकी आंसर की देखने को मिलने वाली है। 20 days तक आ जाएगी अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। यूजली यही पैटर्न है जो फॉलो किया जा रहा है एनटीए के द्वारा। जब हम बात करें 2018-19 की, जब बिल्कुल कंडक्ट होता था साइकिल स्मूथली, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही, हम बात करें 15 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के बाद आंसर की आ जाती थी, तो वही चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी, आपको 30 दिसंबर तक अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्जामिनेशन, उनको लग रहा है कि हमारा इस बार क्लियर हो जाएगा
और मैंने आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस की है, सेफ स्कोर आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप उसका अंदाजा लगा के अपनी आगे की तैयारी करते चलो। ठीक है, कोई भी टॉपिक में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ये कमी है, कमजोरी है, उसको अच्छे से कवर करो, सो दैट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार हो सको एंड अपना पीएचडी का काम करना स्टार्ट करो। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्रपोजल बनाने पे अपना फोकस रखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी एंड कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अपने जो आगे का स्टेप आपको लेना है उस पर आप अब काम कर सको। टाइम वेस्ट मत करो आंसर के इंतजार में या फिर रिजल्ट के इंतजार में। ऑब्वियसली रिजल्ट चाहिए हमें एंड वो आ भी जाएगा 15 जनवरी तक, मैंने पहले भी बोला था अभी भी मैं यही बोलूंगी, 15 जनवरी तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड आंसर की आपको इस मंथ के लास्ट में या फिर 2 जनवरी तक आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना एंड आपके लिए कोर्सेज स्टार्टेड हैं, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि जून में हमें एग्जामिनेशन देना है और जून 2024 को आप टारगेट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा समय है। 5 से 6 महीने आपके पास है, इन 5 से 6 महीने में जितना ज्यादा हो सकता है अपना कंटेंट सॉलिड करो, कंसॉलिडेट करो, ऐसा कंटेंट तैयार करो कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हो जाओ। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ ये एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया तो लाइफ सेट है। ये एग्जामिनेशन एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है कि मस्ट टू डू एग्जामिनेशन है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इंडिया में, तो वो बात जरूरी है बट आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे ही एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करके आप एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकें और आपके पास इतना कंटेंट हो एटलीस्ट कि आप अपने जो स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे उनको अच्छे से पढ़ा सको। तो कंटेंट डेवलपमेंट पे काम करो, जितना ज्यादा कंटेंट डेवलपमेंट पे काम करोगे उतना ही आपके लिए चीजें ईजी होने वाली है। तो मैं सभी को यही बोलूंगी जिन्होंने ये वाला एग्जामिनेशन दिया, क्लियर हो जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर होता है तो फोकस ऑन कंटेंट डेवलपमेंट क्योंकि कंटेंट इज किंग। हमेशा हमारी क्लासेस में भी यही थीम रहती है कि कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड किया जा सके और सो दैट आप उसको अच्छे से समझ के अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको इंप्रूव कर सको। तो ये सारी चीजें आपके लिए रहती है। जून के लिए जुड़ना चाहते हो तो 20% का डिस्काउंट मैंने जैसा कि बताया आपके लिए चल ही रहा है। आप एटम कोड यूज कर सकते हो ATOM और आपको सभी कोर्सेज पे 20% डिस्काउंट है जो मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए JRFED एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए एंड कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 18th of December से, जिसमें आपके लिए कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स को मैं कवर करने वाली हूँ और एक अच्छे तरीके से और भी एक बहुत नए पैटर्न के साथ, जो हमें पैटर्न में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना उनसे एक लेवल अप हम इस बार तैयारी करने वाले हैं क्योंकि कंटेंट जितना सॉलिड आपका होगा उतना ही बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो। बाय बाय।